अब मैं समझा अंकल। अचानक मैं भयानक कर गया अंकल। फंसाया आपने मुझे। पार्ट वन तो आपने बाय दी वे पूछा है, पार्ट टू पे इनकैश करना था आपको। इट इज माई चॉइस ओनली। एक्चुअली इज नॉट माई चॉइस सर। जैसे डायलॉग है ट्रेलर में, मंदिर जाते हैं तो पूछते हैं क्या लाडू चाहिए क्या सीरो, जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं। तो ऊपर वाले, ऊपर वाला चाहेगा तो वो जैसे चाहेगा वैसे ही होगा मेरी लाइफ में, निजी जिंदगी में। बट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई एम रियली ग्लैड दैट यू मेंशन दैट। ऐसे थीम्स हैं, ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट अ कॉमेडी। एक रेंडिशन इसका एंटरटेनिंग है, कॉमेडी है, कि मतलब आप हंस लोत लोत के हंस रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो सोशल थीम्स हैं, चाहे वो डाउरी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, द थिंग्स दैट दिव्यांग इज एबल टू कम्युनिकेट अबाउट विथ रिगार्ड्स टू दीज सॉर्ट्स ऑफ थीम्स विल होपफुली रीच यू एंड रेजोनेट विथ यू थ्रू ऑल द एंटरटेनमेंट एंड थ्रू ऑल द लाफ्टर। आपको कुछ ना कुछ देगी, एक छोटा सा मैसेज देगी, और आवर होप्स आर दैट इट रेजोनेट्स व्हेन यू मेक अ फिल्म विद पर्टिनेंट सोशल इश्यूज इन दिस वे। यू आर ऑलवेज होपिंग दैट आपको, हाँ फिल्म बनाई गई है आपको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल आपको दे के ही जाएगी, और ये हमारी होप है।